हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं भाभी की एक रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आज डिनर में मैं बेसन की सब्ज़ी बनाऊँ, खाओगी? मैंने कहा बेसन की सब्ज़ी, मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया वो क्या कह रही हैं। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताया, तो मैंने कहा ठीक है, ये कुछ कुछ गट्टे जैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ, गट्टे जैसा ही है, और जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी अलग है, लेकिन बेसिकली आप ही कह सकते हो गट्टे जैसा सब्ज़ी है ये। और जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है गट्टे की, वो इससे बिल्कुल अलग है, और टेस्ट में भी सच में इससे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस उन्होंने इस तरह से चपाती की तरह रोल किया बेसन को, बेसन के डो को एक्चुअली, और उसके बाद इस तरह से बॉईल कर दिया रोल करने के बाद। और मैं उसके बाद बात करने चली गई थी फ़ोन पे, तो उन्होंने, मैं मतलब पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और इस तरह से बनकर सब्ज़ी रेडी हो गई थी ग्रेवी वाली। मैं प्लेट लगा रही हूँ प्रशांत के लिए। मैं और भाभी अभी शाम को कुछ देर के लिए बाहर गए थे पास ही के मार्केट में, तो वहाँ एक स्वीट शॉप थी, मैंने वहाँ से प्रशांत के लिए उसकी फेवरेट मिठाई ली। उसे बहुत पसंद है ये वाइट रसगुल्ले, तो मैंने सोचा वो जब देखेगा अपनी थाली में तो उसे ज़रूर एक क्यूट सी स्माइल आएगी उसके फेस पर। आज मैं लंच के लिए बना रही हूँ चना मसाला। जब भी मुझे कोई सब्ज़ी समझ नहीं आती ना क्या बनानी है, तो मैं चना मसाला या छोले मसाला बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, वन ऑफ़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू गो विद द पराठास। बहुत अच्छा लगता है पराठा, चाय और ये। प्रशांत निकल के अपने ऑफिस के लिए, मैं कर रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है वही पराठा, चना मसाला और चाय। यार चने जब मैं लाई थी ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा इनका छोटा साइज़ लग रहा था। मुझे लगा ठीक है, भिगोने के बाद शायद ये जो इनका नॉर्मल साइज़ होता है, जो रेगुलर जैसे होते हैं चने, वैसा हो जाएगा, बट नहीं, ये मतलब काफ़ी छोटे हैं चने बनने के बाद भी। भाभी और ख्वाहिश, ख्वाहिश उनकी डॉटर है, हम तीनों आए हैं मार्केट, पासी के मार्केट में आए हैं। भाभी को एक्चुअली थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, उन्हें अपने लिए कुछ कुर्तियाँ देखनी थी, तो उसी के लिए बस हम लोग मार्केट आए हैं अभी। ख्वाहिश मार्केट से आने के बाद भाभी ने एक स्मूदी बनाई, और उन्होंने मुझे बताया कि ये ख्वाहिश के लिए उसे रेगुलरली बनाती हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। जैसे कि मतलब हम एडल्ट भी इतने सारे फ्रूट्स एकदम से नहीं खा सकते, तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं, तो वो इस तरह से सारे फ्रूट मिक्स करके उसकी एक स्मूदी बनाती हैं गुड़ या फिर हनी के साथ। ये सारे फ्रूट वो डाल रही हैं अभी जार में, और बस इसे ब्लेंड कर देंगी, और उसके बाद इन्होंने उसमें ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करे। ये उन्होंने रात में भिगोए थे, तो वो मतलब भीगे हुए हैं ये, तो वो ऐड कर दिए, और इसे एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। मुझे सच में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस एक ड्रिंक है। इवन हम लोग भी इसे पी सकते हैं, तो हमारे लिए भी, मतलब इतने सारे फ्रूट एकदम सच में नहीं खा सकते ना, तो ब्लेंड किया ड्राई फ्रूट्स के साथ, और ड्राई फ्रूट चाहो तो स्किप भी कर दो, और ना कोई दूध डालना है, जो कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत ही गलत भी है दूध और फ्रूट मिक्स करना। मैं थोड़ा सा फ्रूट और वेजीज लेकर आई थी। मैंने फ्रूट में लिया था वाटरमेलन, बहुत मन कर रहा था यार, गर्मी इतनी हो रही है ना, कि ठंडा ठंडा तरबूज खाएं, तो मैं बस इसे निकाल रही थी। और साथ में मैंने लिए बैंगन, जो भरता वाला बैंगन होता है बड़ा, वो लिया है, थोड़ा सा धनिया और खीरे। खीरे मैं अब रोज़ खा रही हूँ, प्रशांत को भी टिफ़िन में रोज़ मैं एक खीरा रखती हूँ। और जब मैं ये कट कर रही थी ना, तो आप भाभी की बातें सुनिएगा, कितनी फ़नी चीज़ें वो करती हैं व्लॉगिंग से रिलेटेड। कितने देर लोग हैं? मुझे बच्चे बताया था कि हम खरबूजा तरबूज लाए हैं, वो भी बॉइल ओवर चला जाता है, वो भी फूटा हुआ। फूटा हुआ मतलब ये क्या? टूटा फूटा काट के लिए
इतना मीठा मिर्च का मिल रहा है। क्या बोलेंगे कि हम तरबूज लाए हैं मीठा, खाइए। फिर सबको खिलाएंगे। आपने खाया ऐसे तरबूज ऐसे? देखा आप लोगों ने, इस तरह की फ़नी बातें चलती रहती हैं आजकल पूरा दिन ब्लॉगिंग से रिलेटेड। भाभी मुझे हर वक्त बोलती रहती हैं, अच्छा तुम ऐसी ब्लॉगिंग करोगी, तुम तरबूज काट रही हो उसके बारे में क्या बोलोगी, तुम मुझे अपने ब्लॉग में लोगी, तुम ऐसे करोगी, तुम वैसे करोगी। हर वक्त वो मुझसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछती रहती हैं। एनीवे मैं बना रही हूँ गोभी आज रात में, मतलब डिनर के लिए। और मैंने इतनी कोई अच्छे से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि बहुत ही गोभी मतलब कि क्या बोलूँ, सिंपल सी सब्ज़ी है जैसे कि रेगुलरली हमारे सबके घर में बनती है। और गोभी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है मुगलई गोभी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से अपने चैनल पे शेयर करी है। उसका लिंक मैं आज आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो अगर आप चाहते हैं गोभी की एक स्पेशल रेसिपी सीखना तो आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं। बहुत दिन से मन कर रहा था यार, सोच भी रही थी और बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा था कि मुझे दोबारा से योगा स्टार्ट करना है, योगा स्टार्ट करना है। अपनी शादी से पहले से मेरा जो ये चीज़ है ये छूट गई थी, और हमेशा सोच रही हूँ कि ठीक है अब अपनी शादी के बाद, फिर मनी की शादी के बाद, फिर ट्रांसफ़र के बाद, मतलब ये सब चीज़ें चलती रही और ये बस। तो आज मुझे लगा ठीक है प्रशांत का ऑफ है, मैं सुबह थोड़ा सा फ्री हूँ और आज अपना जो मेरा योगा है वो थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही मतलब जो मेरा पूरा रेगुलर होता है, मतलब जैसा मैं करती हूँ वैसा नहीं बट बेसिक। आज 1 अप्रैल को दोनों ही अप्रैल फुल बन गए, मैं भी और प्रशांत भी। प्रशांत को ऑफिस से ऑफ मिल गया कि ठीक है आज तुम ऑफ ले सकते हो, और फिर मतलब दोनों का रूटीन इससे सेट हुआ कि ठीक है आज ऑफ है। मैंने भी अपना आराम से योगा किया, नहाई, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी, लंच की भी तैयारी कर ली, और रात में क्या बनाना है वो भी सोच लिया। प्रशांत ने अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ली, उसके बाद उसे ऑफिस जाना पड़ा और मुझे सडनली उसके ऑफिस की जाने की तैयारी करनी पड़ी। तो भाभी भी कह रही थी जब उन्हें पता चला कि सही है आज तुम दोनों अच्छे से अप्रैल फुल बने हो, किसी और को तो क्या ही बनाओगे आज तुम। मैंने ये लंच के लिए बैंगन भून के रखा था, मैंने सोचा था आज मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, प्रशांत को बहुत ज़्यादा पसंद है बैंगन की, और कोई भी रेसिपी प्रशांत नहीं खाता है। मैं फिर भी बैंगनी खा लेती हूँ, मतलब जो पतले वाला छोटा वाला जो बैंगन होता है उसको भर के जब हम बनाते हैं प्याज का जो मसाला डाल के जो बनता है, तो वो तो मुझे बहुत पसंद है। बैंगन का भरता पसंद है, आलू बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रशांत भी नहीं खाता। तो मैंने सोचा था ठीक है मैं बैंगन लेकर आई हूँ भरते वाले, तो मैं आज आराम से बैंगन का भरता बनाऊंगी। लेकिन अब मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि आज भाभी का भी फास्ट है और प्रशांत को मैंने लंच दे दिया है, तो सिर्फ अपने लिए क्या बनाओ यार, इसलिए मैं अब इसे डिनर में बनाऊंगी आराम से। अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं खत्म कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूंगी फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।